तो जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं साल देवली का यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन आर्मी की भर्ती के लिए। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जयपुर सीकर एंड टोंक की ये भर्ती आई है 2022-21 जयपुर हेडक्वार्टर से। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सोल्जर GD टेक्निकल एंड क्लर्क की भर्ती आ रखी है और ट्रेडमैन भी इसमें शामिल हैं। तो आप सभी को पता तो होगा कि हाँ GD के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। इसके लिए आपकी 16.5 से 21 17 से 21 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और आप 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के अंडर होने चाहिए। इसके ज़्यादा बड़े या इससे ज़्यादा छोटे वाले लोग भर्ती नहीं दे सकते। और हाइट इसमें 170 मैक्सिम होनी चाहिए, कंफर्म है। और वेट 50 kg होना चाहिए, चेस्ट 77 सेंटीमीटर और 5 एक्सटेंड, मतलब 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 फुलाके होनी चाहिए। ये चीज़ आप सबको पता होगी इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा। इसमें पर क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए GD के लिए और 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है टोटल। और 33% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। जिनके 33% से कम है वो ये भर्ती नहीं देख सकते, आई एम सॉरी। और सोल्जर टेक्निकल के लिए 17.5 साल से 23 साल तक है। इसके लिए भी सेम, इसके लिए बस एज 2 साल बढ़ा रखी है। 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 तक लोग बस ये भर्ती देख सकते हैं। और क्लर्क के लिए भी ये सेम है। हाइट टेक्निकल के लिए 170 चाहिए और वेट 50 और 77 चेस्ट प्लस 5 एक्सटेंड करके। पर इसमें क्वालिफिकेशन +2 पास होने चाहिए इंटरमीडिएट और एग्ज़ाम में 50 मैक्सिमम मार्क्स। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50%, इन सब में आपके 50% होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% से मार्क्स होने बहुत ज़रूरी हैं। और सोल्जर क्लर्क के लिए एज वेट सब सेम है, बस हाइट में इसमें आपको छूट दी जाएगी। इसमें 162 सेंटीमीटर है और इसके लिए +2 पास होने चाहिए। चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके उसमें। बस आपके पास 3 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिससे आप भर्ती देख सकते हैं। इंग्लिश आपकी कंपलसरी होनी चाहिए, मैथ, अकाउंट्स और बुक कीपिंग। इन तीनों में से अगर आपके पास भी कोई एक सब्जेक्ट भी है तो आप भर्ती देख सकते हैं। और आपके सारे सब्जेक्टों में 60% होने चाहिए टोटल करके और हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स अनिवार्य हैं। और ट्रेडमैन के लिए सेम ही है। इसके लिए भी हाइट 170 सेंटीमीटर मांग रखी है पर वेट इसमें कम है 48 सेंटीमीटर और चेस्ट पीस में 76 सेंटीमीटर मांग रखी है। और क्लास 10th से सिंपल पास हो सकते हैं, चाहे 33% आए चाहे 45% आए, इसमें कोई वो अधिकतम नहीं है ना कम है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक 8th पास के लिए भी आ रखी है, इसमें भी सेम ही है, हाउस कीपर, मैस कीपर ये सब। इसके लिए भी हाइट 170 सेंटीमीटर ही मांग रखी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। पर अब कुछ ज़रूरी नोटिफिकेशन लाइक NCC वालों के लिए हो गया, आप लोग देख सकते हैं नीचे। जिनके माता पिता एक्स सर्विस मैन हैं या रिलेशन का सर्टिफिकेट है या एक्स सर्विस वॉर विडो में जो शहीद हो रखे हैं उनके घर वालों में से, उनको हाइट की 2 सेंटीमीटर की छूट दी रखी है और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और 2 किलो वजन की छूट दे रखी है इन्होंने। और इसमें स्पोर्ट्स पर्सन की भी बहुत बड़ी मान्यता है, लाइक इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में है, जो 2 साल का सर्टिफिकेट होगा 2 साल के अंदर का, उनको भी सेम इसी तरह छूट दी गई है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँगा, ये मेरा सोच है कि आपके 5:30 तक की मानिए, 5:30 तक की आपका दौड़ होती है। वैसे यहाँ ग्रुप 1 5 मिनट टू 30 सेकंड दे रखा है जिसके 16 मार्क्स लगते हैं और पुलअप्स के 10 और मार्क्स के 40, ये आप सबको पता है। पर मैं आपको बोलूँगा कि आप 5:30 तक की टाइम सोच के चलें। 5 मिनट और 31 सेकंड से लेके 45 सेकंड के बीच में जो आते हैं उनका सेकंड ग्रुप लगता है और उनको 48 नंबर मार्क्स मिलते हैं रनिंग के, पुलअप्स के आपको यहाँ नीचे दे ही रखे हैं 9 पुलअप 10 पुलअप्स के 40, 9 पुलअप्स के 33, 8 पुलअप्स के 27, 7 पुलअप्स के 21 और 6 पुलअप्स के 16।
और आप वैसे भी अगर रनिंग में सेकंड ग्रुप मारते हो तो कोई बात नहीं, पर पुलअप्स पूरे मारिए 10 के 10। और आपको जिगजैग बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और 9 फीट डिच, जिसने 1600 मीटर पूरी कर ली हो और 9 फुट जंप मारनी उसके लिए बहुत आसान है, आप चिंता नहीं करें। और एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बाकी चीज़ें आपको पता ही होंगी। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ये आपको स्लो स्लो दिखा लेता हूँ।